75 साल तक देश की किसी सरकार ने इस महान दिन को, इसकी ऐतिहासिक स्मृति को, हमारी युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए कार्यक्रम की रचना नहीं की। तुष्टिकरण की नीति के कारण हमेशा वो डरते रहे और तेलंगाना मुक्ति दिन मनाने की सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। मित्रों, इसके पीछे हमारे तीन उद्देश्य हैं। एक, नए पीढ़ी को, बालकों को, किशोरों को ये महान संघर्ष की याद दिलाना और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करना। दूसरा, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति के लिए काम किया। और तीसरा, अपने आप को, राष्ट्र को पुनः समर्पित करना कि शहीदों ने जो स्वप्न देखे थे, इस प्रकार के राष्ट्र की निर्मिति के लिए हम आगे बढ़े। आज यहां पर एसएसबी इब्राहिम पट्टन के पारिवारिक आवास का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है। एसएसबी की फोर्स में काम करने वाले दक्षिण भारत के सारे जवानों के परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है और मैं आशा करता हूं उससे परिवारजनों के जीवन में काफी सुलभता आएगी, सुगमता आएगी और सुविधा युक्त जीवन ये जी पाएंगे। आज यहां पर प्रसिद्ध पत्रकार और शहीद सोहेबुल्ला खान और रामजी गोंड दोनों की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और आज यहाँ दिव्यांग भाइयों और बहनों को भी बैटरी से चालित ट्राइसिकलर का वितरण भी करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिन के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन मोदी जी का जन्म हुआ और विगत 9 वर्षों में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आजादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखे थे, वो भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। 11वें स्थान पर जो रही थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में, वो आज 5वें स्थान पर आई। चंद्रयान पहुंचाने वाला भारत विश्व में चौथा देश बना है और G20 के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के खान पान, भारत की वेशभूषा, भाषाएं, ये सभी को विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने का काम हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने किया है।